स्टूडेंट टुडे अबाउट डिस्कस चैप्टर 14 एनिमल शेल्टर्स क्लास 4 EBS। आज हम अध्ययन करेंगे पशुओं के आश्रयों के बारे में। क्या करेंगे हम बात करेंगे। कल के वीडियोज में मैं कुछ चैप्टर्स कुछ पैराग्राफ्स आप लोगों को वीडियोज के माध्यम से सेंड किया, उन्हें आप देखिए। रिवीजन के तौर पर पुनः मैं बताना चाहूँगा कि एक बच्ची बोल जाती है कि आई लर्न क्लास 3 दैट्स ऑल द ह्यूमन बींग्स लिव इन द हाउसेज टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम हीट कोल्ड स्ट्रे एनिमल्स। मैंने कक्षा 3 में क्या किया, ह्यूमन बींग्स मनुष्यों के घरों के बारे में जाना, जो कि कुछ हीट्स रहते हैं, कुछ गर्म्स होते हैं, कुछ कोल्ड्स होते हैं, और उनके आश्रयों के लिए, पशुओं की आश्रयों के लिए, आवास पशुओं के लिए, आवारा पशुओं के लिए क्या की जाती हैं, घरों की आवश्यकता होती हैं। बट डू नॉट एनिमल्स आल्सो इन होम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। लेकिन जानवर को या जानवरों के भी घरों होते हैं या फिर उनकी रक्षा के लिए घरों होना चाहिए, ये चीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस किया। इसके बाद कुछ एनिमल्स लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग के बारे में बताया कि प्राकृतिक के परिवेश में रहने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक परिवेश जैसे कि वातावरण से होते हैं, पेड़ पौधे के नीचे रहते हैं, कुछ मौसम की वजह से रहते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। कुछ टेरिस्ट्रियल्स एनिमल्स के बारे में बताया, लैंड्स भूमि पे रहते हैं, उन्हें टेरिटेरियल एनिमल्स बोल जाते हैं। दे आर द डिफरेंट ट्राइब होम्स, उनके जो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, घर होते हैं, इसके बारे में बताया। रॉक्स कैवर्न्स के बारे में बताया कि रॉक्स गुफाएं में कौन कौन से जानवर रहते हैं, जैसे चमगादड़, भालू, शेर, बाघ, ये क्या होते हैं, ऐसे जानवर जो कि रॉक्स गुफाएं में रहते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बारे में की बताया कि इन द ग्राउंड्स, जो ग्राउंड्स में रहते हैं, जैसे स्नेक्स होते हैं, नेचुरल होल्स होते हैं, छेद बनाते हैं, नेचुरल प्रकृति की में छेद बनाते हैं, कुछ ग्राउंड्स में रहते हैं, अंडर लॉक्स में पाए जाते हैं, एंड एबोडेंट एंथिल्स पाए जाते हैं, एंड ओपन प्लेस जो होती हैं, ओपन प्लेस जैसे एलिफेंट्स, डियर एंड जिराफ्स लिव इन द ओपन डॉन्स इन ट्रीज। ओपन प्लेस खुले मैदानों पर जो रहते हैं, ओपन स्थानों पर रहते हैं, जैसे कि हाथी हो गए, एलिफेंट्स, डियर, जिराफ, ये क्या होती हैं, ओपन अंडरग्राउंड में रहते हैं। उसके बारे में कुछ बताया कि एब वरियल्स एनिमल्स जो होते हैं, जैसे वृक्षवासी प्राणी होते हैं, एबरियल्स एनिमल्स लाइक द मंकी एंड द स्क्वायर लाइक द ट्रीज, चिंपैंजीज स्लीप इन द ट्रीज एंड द ग्राउंड, जो कि वृक्षवासी होते हैं, कुछ बंदर्स होते हैं, कुछ गिलहरी होते हैं, चिंपैंजीज जो होते हैं वो कुछ ट्रीज में रहते हैं, कुछ ग्राउंड्स में रहते हैं, इसके बारे में मैं आपसे पिछली वीडियोस में डिस्कस किया। उसके बाद बताया गया है कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताया, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जलीय प्राणी जो होते हैं, जलीय प्राणी के बारे में मैंने डिस्कस किया, एंड एम्फीबियंस के बारे में बताया, जो कि एम्फीबियंस उभयचर होते हैं, उभयचर के बारे में मैं आपको बताया कि उभयचर जो होते हैं पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग्स हो, इसके बारे में मैंने आपसे कल के वीडियो में बताया, तो आप कल के वीडियो को थोड़ा देखिएगा। आज स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे आज टुडे डिस्कस एनिमल्स दैट बिल्ड देयर हाउसेस, कि अपने घरों का निर्माण करने वाले जानवर कौन कौन हैं। चलिए देखिएगा पेज नंबर 79, पेज नंबर देखिए। सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल होम्स बिल्ड द होम, सम बिल्ड्स देयर ऑन होम्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल्स में अपना प्रकृति, नेचुरल्स जो होती हैं प्रकृति के में घर बनाते हैं, अभी प्रकृति में रहते हैं। सम बिल्ड्स देयर ऑन होम्स, वे क्या करते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपना घर स्वयं बनाते हैं। लेट्स नाउ मोर द अबाउट द एनिमल्स दैट बिल्ड्स देयर ऑन होम्स देमसेल्फ। आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो कि अपने घरों का निर्माण करते हैं, कैसे घर बनाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेस्ट, घोंसले की बात की गई है,
देख सकते हैं यहाँ पर कुछ घोंसले की बात की गई है। नेट घोंसले हैं, बर्ड्स बिल्ड द नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स। जब चिड़ियाएँ क्या करती हैं, अंडे देने के समय क्या करती हैं, अपने घोंसले का निर्माण करती हैं चिड़ियाएँ, है ना। दे यूज द स्ट्रॉ, दे यूज द स्ट्रॉ थ्रीड विंग्स लीव्स ग्रास कॉटन वुड्स और फैदर। ये जो होती हैं चिड़िया जो होती हैं अपने घोंसले के निर्माण करने के लिए स्ट्रॉ, कुछ पुआल का यूज़ करते हैं, थ्रीड टहनियों का यूज़ करते हैं, ट्विंग्स धागा का यूज़ करते हैं, लीव्स पत्ते का यूज़ करते हैं, ग्रास घास का यूज़ करते हैं, कॉटन कपास का यूज़ करते हैं, वुड दे यूजली इन द बर्ड्स नेस्ट इन द हाइट एंड हिडन। यहाँ पर बताया गया है हाइट एंड हिडन प्लेस, जो कि वो लोग अपना जो घोंसले बनाते हैं बहुत ही ऊंचे और छुपे हुए जगहों पे अपना घोंसले बनाते हैं। देयर इनिमीज कैन नॉट रीच इजली, रीच मतलब होता है पहुँचना, इजली मतलब होता है आसानी से, इनिमीज मतलब होता है शत्रु, ताकि उनके शत्रु क्या है आसानी से उनके घोंसले तक ना पहुँच पाए। We find their nest in palace like the three worlds holes and holes। क्या बताया गया है यहाँ पर कि हम पेड़ों और इमारतों का छेदों से दीवारों से अपना holes से क्या बनाते हैं अपना घरों का निर्माण करते हैं। मैंने आपको नेट्स के बारे में बताया कि नेस्ट जो होती हैं कुछ चिड़ियाएँ क्या करती हैं अंडे देने के समय क्या करती हैं अपने घोंसले का निर्माण करती हैं, वो पुआल का टहनियों का धागा का लिप्स का ग्रास का कॉटन का उस फैदर का निर्माण करती हैं और अपने घोंसला बनाती हैं, है ना। वो ऊंचे मकानों में बनाती हैं, ऊंचे छतों में बनाती है अपना घोंसला, है ना, छिपे जगह में बनाते हैं ताकि उनके दुश्मन जो है आसानी से ना पहुंच पाए। ये है नेट्स के बारे में बताया। अब देखिए नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, द साइज ऑफ द नेस्ट वेरियर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बर्ड्स एंड द नंबर ऑफ ईच इट लेज। जो घोंसले बनाते हैं जो चिड़िया घोंसले बनाते हैं वे अंडे देते समय क्या करती हैं अपने चिड़िया की आकार के अनुसार अंडों के साइज के अनुसार अंडों देने की साइज के अनुसार अपने चिड़ियों के साइज के अनुसार क्या करते हैं अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। वंस द बेबी बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई, जब उनके बच्चे तो पेज नंबर 80 पेज नंबर पे जाइएगा, नेक्स्ट पेजेस की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पेजेस में बताया गया है, नेक्स्ट पेजेस की बात करते हैं, बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड द क्रोज बिल्ड द कफ सेव्ड नेस्ट टू प्रिवेंट देयर यंग वन फ्रॉम फीलिंग आउट, देयर यंग वंस कैन नॉट सी एंड हैव नो फैदर। यहाँ पर क्या बताया गया है, जो कुछ चिड़ियाएँ होती हैं जैसे गौरैया होती हैं, स्पैरो गौरैया को बताया गया है, क्रॉस कौवे को बताया गया है, बिल्ड डीप्स कप एंड स्पैड नेट्स हैं एंड प्रीवेंट देयर यंग वंस ऑफ फ्रॉम फीलिंग आउट। वो जो घोंसले बनाते हैं वे कप के आकार पे, लेस जो गहरे होते हैं कप के आकार पे गहरे होते हैं उस टाइप क्या कराते हैं प्रीवेंट घोंसले बनाते हैं ताकि वंस यंग एंड द फीलिंग आउट, ताकि उनके बच्चे क्या हैं उनके जो युवा बच्चे रहते हैं वो बाहर ना जा सके। देयर यंग वंस कैन नॉट सी एंड हैव द फेदर्स, और बाहर पैरो होते हैं जो कौवे होते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ई पैरडेस बिल्ड्स एंड सैलो नेट्स इन द ग्राउंड इन द पैडी फील्ड और ए ग्रास लैंड, इट्स कीप इन द नेस्ट कॉजी एंड वार्म बाय द फिलिंग इट विथ ड्राई घास एंड लीव्स। ड्राई घास एंड लीव्स के बारे में बताया गया है कि जो पैडीज बर्ड्स होते हैं डालियाँ जो होती हैं
वो क्या करती हैं, कुछ ग्राउंड्स में, कुछ जो ग्राउंड्स होते हैं और कुछ ग्रास लैंड होते हैं उसमें क्या करती हैं, अपने घरों का निर्माण करती हैं। इट इज़ द ग्रीप्स नेस्ट इन द आर्म्स बाय द फिलिंग, इट इज़ द वीज ड्राई ग्रास एंड द लीव्स। वो लोग क्या करते हैं, फिलिंग्स विद द ड्राई घास, सूखे घास का उपयोग करते हैं, एंड लीव्स का, पत्ते का उपयोग करते हैं जैसे उनके घोंसलों में गर्म पैदा हो। मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट्स देखिएगा, पैरोट्स ऑल्स एंड हर्बी मिल्स मैक नेस्ट इन द हॉलोस स्पाइस इन द ट्रीज ऑफ वेल्स। जो तोते होते हैं, उल्लू होते हैं एंड हर्बी मिल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ होल्स, कुछ छेदों को क्या करते हैं, अपने घरों में, कुएं में क्या बनाते हैं, अपनी घरों का निर्माण करते हैं, अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ पेजिस देखिए, ए वेदर बर्ड्स मैक ए नेस्ट दैट हंग्स ऑफ अपसाइड डाउन। जो बुनकर पक्षी होते हैं, बुनकर पक्षी अपसाइड डाउन, उल्टे जो साइड से क्या बनाते हैं, अपने नेस्ट घोंसलों का निर्माण करते हैं। द बर्ड्स यूजेज ट्रीज एंड ग्रास टू बिल्ड द नेस्ट। कुछ टहनियों का उपयोग करके इट्स बॉटम जो घर बनाते हैं, कुछ पक्षियों उल्टे पक्षी का निर्माण करते हैं, उल्टे घोंसलों का निर्माण करते हैं और अपने घरों का निर्माण करते हैं। ई टैरो बर्ड्स मैक इन द नेस्ट यूजिंग बर्ड्स लीव्स दैट इन द स्टिच टूगेदर। व्यापक पत्तियों का उपयोग करके जो टैरो बर्ड्स होते हैं, व्यापक पत्तियों का उपयोग करके अपना घोंसलों बनाते हैं। जो टूगेदर इट इज़ यूजेस नीडेड एंड लाइक इन द बीक स्विच इन द लिप्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज के माध्यम से देखेंगे कि जो टेरोवर्ड्स पक्षी होते हैं, दो पत्तियों को या फिर तीन पत्तियों को क्या करते हैं, वो लोग अपने चोंच की सहायता से, सुई की नीडल्स, सुई जैसे चोंच की सहायता से क्या करते हैं, पत्तियों को सील कर अपने घरों का निर्माण करते हैं। मैंने कुछ चीज़ के बारे में बताया, स्पैरो के बारे में बताया, क्रॉस के बारे में बताया कि स्पैरो जो होते हैं एंड क्रॉस जो होते हैं वो अपने घरों का, अपने घोंसलों का निर्माण कैसे करते हैं। एंड पैरट्स के जो होते हैं, पैरट जो तोते होते हैं, उल्स होते हैं, हर्बिनियर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने घोंसलों का निर्माण कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट पेजेस देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ्स में आइए।